भारतीय किसान यूनियन भारत ने सम्मू बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि और निकाला कैंडल मार्च। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हमारा जोत कर न्याय है, भाई हमारा भाई है। भारतीय किसान यूनियन भारत बैठ गए, भारतीय किसान यूनियन भारत बैठ गए, भारतीय किसान यूनियन भारत बैठ गए, भारतीय किसान यूनियन भारत बैठ गए। जो अधिकारी न्याय है मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से जिला अध्यक्ष हूँ बरेली से दुर्गेश मौर्या जी। हमारा लगभग चार दिन हो गए हम लोगों को दिल्ली जाते गाजीपुर बॉर्डर पे आए दिन पुलिस की गुंडागर्दी, हमको गिरफ्तार कर लेती है, घर में होम अरेस्ट कर लिए जाते हैं और हम लोग घर में ही रुक जाते हैं। मगर हम घर में भी बैठ के चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे एक किसान की आज शहादत हो गई, उसके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, हम दुख व्यक्त करते हैं। हमारे भाई की आत्मा को भगवान शांति दे, जो बॉर्डर पे आज सम्मू बॉर्डर पे आज हमारा एक किसान शहीद हुआ है। और हमारी जो मांगे हैं MSP पे गारंटी, सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमारी गारंटी किसानों का हक, किसान को सरकार को देना चाहिए। आखिर किसान को हक क्यों नहीं देती? जो भी सरकारें हैं वो देहात गांव से निकलती हैं, मगर गांव के लोगों पर अत्याचार, काश्तकारों पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, आखिर कब तक गुंडई चलेगी सरकार की? हम अब खामोश ना बैठने के, हमें फांसी लगा दे ये सरकार, हम फांसी खाने को तैयार हैं। हमें जेल भिजवाए, जेल भरो आंदोलन भी होगा बहुत जल्दी, ये जेल भरो आंदोलन होगा। हम जेल से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते, फांसी से भी नहीं डरते। ये सरकार की तानाशाही ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त हो गई सरकार की तानाशाही। अब ज़्यादा कुछ ना कहकर हम बहुत जल्द फिर से दिल्ली कूच करेंगे। तीन बार हमको अरेस्ट कर लिया गया, दिल्ली बॉर्डर पर हम पहुँच गए, दिल्ली बॉर्डर से हमें अरेस्ट किया गया है। हम फिर दिल्ली जाने की तैयारी में, और किसी समय भी हम यहाँ से दिल्ली निकल सकते हैं।